कोर्ट में ये हुआ कि धवन साहब जानते थे ये दोनों मेरी किताबें बहस शुरू होने के एक महीना पहले जमा की गई थी। यह किताब उसमें है, मेरी किताब में इसका नक्शा है, लेकिन ये आर्किटेक्ट द्वारा बनाया नहीं गया है। जब बार बार ये सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था कि तो मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को मैं आर्किटेक्ट से के आधार पर ये लंबाई चौड़ाई सब सही हो दूं। तो वे बहुत महान विद्वान हैं, इतने अनुभवी हैं, वे साक्ष्यों का महत्व समझते हैं, इसलिए उनको लगा कि यदि यह नक्शा चला गया, किताबें चली गई, तो उनका केस जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा, दम नहीं रहेगा, इसलिए इतने बेचैनी थी। नहीं तो उनको आपत्ति थी तो हमारे वकील विकास सिंह जी को बोल देने देते, बोलने के बाद उनको एक घंटा मौका दिया गया है, शाम में वो बोलते हैं कि यह नक्शा जो है आज दिया गया, इसको आप नहीं रखिए, किताबें नहीं रखिए। हमारे वकील को नहीं बोलने दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 14 मार्च 2017 का कि यदि हमने डाला था तो नहीं स्वीकार हुआ, लेकिन ऑर्डर उसमें है कि यदि कोई पक्षकार, नियमित पक्षकार कोई डालता है तो कोर्ट उसको स्वीकार करेगा।